लॉर्ड, परमेश्वर का हम फिर से धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें एक सुंदर मौका दिया कि हम फिर से उसके वचन के साथ आपके पास आ सकें। जो बातें पवित्र आत्मा हमारे दिल में डाल रहा है उसको हम आज शेयर करना चाहते हैं। ये पूरा संसार जो है बड़ी दुखदायी परिस्थिति से होकर जा रहा है और बहुत सारी समस्याओं से हम होकर जा रहे हैं, और जैसे हम बाइबल में देखते हैं अंत के समय में विपत्तियों की तुम चर्चा सुनोगे और उसको देखोगे तो घबरा ना जाना, ऐसा लिखा है, है ना। हम मसीह भाइयों और बहनों के लिए एक बड़ी अच्छी एक आशा है। और लंबे समय से जब हम निरंतर प्रार्थना कर रहे थे, सोच रहे थे, तो परमेश्वर जो है हमें निरंतर बहुत सारी बातें सिखा रहा था, और जो बातों को प्रभु हमें सिखा रहा है मैं उनको आज बताना चाहूँगा। जैसे जैसे इस संसार में अंधकार बढ़ेगा वैसे ही वैसे उजियाला भी बढ़ेगा। वचन में लिखा है अंत के समय में जब लोग पाप में बढ़ेंगे वैसे ही परमेश्वर अपनी सेना को खड़ी करने जा रहा है, अपने एक ऐसी अद्भुत सेना को खड़ी करने जा रहा है जो उसकी सिद्ध इच्छा को पूरा करेंगे। मेरे प्रियो, ये हम देख तो रहे हैं, हम देख रहे हैं एंटी क्राइस्ट का खड़ा होना और बहुत सारी बातें पूरा होना जो बाइबिल में लिखी हुई है। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है धरती और आसमान टल जाएगी परंतु परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। और हम देख पा रहे हैं, हम महसूस कर पा रहे हैं, जो कुछ भी बातें बाइबिल में लिखी है सब कुछ पूरा हो रहा है। और मेरे प्रियो, हम मसीहों को प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी शिक्षा दिया है। हम यीशु मसीह के जीवन से सीखते हैं। वह ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना किया करता था, वह ज्यादा से ज्यादा दुआ किया करता। कई बार प्रचार करते 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 वह जो है भीड़ से हटकर एकांत में जाकर पहाड़ में प्रार्थना किया करता था। हम यीशु मसीह के जीवन में से पवित्र आत्मा जब हमें ये प्रकाशन दे रहे थे तो हमें सीखने मिला कि वह जो है सर्वशक्तिमान है, वह परम प्रधान परमेश्वर का एक लौता पुत्र होने के बावजूद भी वह जो है भीड़ से हटकर जो है पहाड़ों में जाकर, और इन ऐसे पहाड़ों में जाकर जो है वह परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहा है। उसके पास सब कुछ है मेरे प्रियो, उसके पास सब कुछ है, उसको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। वो ही इज द किंग ऑफ किंग, ही इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, पर राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। परंतु हमें पवित्र आत्मा ने एक ऐसी बात सिखाई जो हमें समझ में आई यीशु मसीह के जीवन में से, कि उसने कठिन से कठिन परीक्षाओं में भी, कठिन से कठिन विपरीत परिस्थितियों में भी रोज प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। वे मंदिर में भी जाकर प्रार्थना किया करता था, वे मंदिर में जाकर याजकों के साथ और धर्मशास्त्र के साथ संगति किया करता था। हम यीशु मसीह के जीवन में सिर्फ दो चीजें सीखते हैं, और वो ये कि वह धर्मशास्त्र को, वचन को स्मरण किया करता था, वचन को याद किया करता था, और साथ में वह प्रार्थना किया करता था। उसके जीवन की प्रार्थना उसकी सेवा को कंप्लीट करने में मदद कर रही है। आज हम में से बहुत सारे भाई और बहन जो हैं, निरंतर हम जो हैं बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों में होकर जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हमको फ़ोन करते हैं, पास्टर जी आप बताइए, हम ऐसी परिस्थिति से जा रहे हैं, हमको प्रार्थना में मन नहीं लग रहा है, हम दुआ नहीं कर पा रहे हैं, हमको निराशा लग रहा है, हमको डिप्रेशन आ रहा है। हम उन सब के लिए एक आशा है, और वो आशा है हमारा लड़ाई के हथियार, हमारे लड़ाई के हथियार हमारी प्रार्थना है। हम पढ़ाए, हम आपको दो तीन पॉइंट हम बताना चाहेंगे। उसमें सबसे पहला पॉइंट है प्रार्थना। यीशु मसीह के जीवन में से हम सिर्फ एक सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज सीखते हैं, जो आज कलीसिया को, जो आज छोटे से छोटे विश्वासी को, लीडर्स को, पास्टर्स को, ऊपर से लेके नीचे तक हर एक लोगों को जो यीशु मसीह को जानते हैं उनको प्रार्थना करने की जरूरत है। और मेरे प्रियो, इन दिनों अंतिम समय में ये प्रार्थना का जीवन हमारा होना है, वचन का जीवन हमारा होना है, क्योंकि जो कुछ भी बाइबिल में लिखा वो तो पूरा हो रहा है। आप बहुत सारी बातों को, चर्चाओं को सुन रहे हैं, आप खोज के देखेंगे आधे से ज्यादा बहुत सारी बातें जो वचन में लिखी हुई हैं वो पूरी हो रही है। तो मेरे प्रियो, हम सब के पास ये समय है कि हम अपने आप को प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनाए, अ मैन ऑफ प्रेयर, अ वुमेन ऑफ प्रेयर। जब हम एक व्यक्ति यदि जब प्रार्थना करने लगता है तो वे स्पिरिचुअली बढ़ने लगता है, वे आत्मिक जीवन में बढ़ने लगता है, उसके पास वरदान आने लगते हैं, उसके प्रार्थना के द्वारा चंगाई होने लगती है। सबसे पहले उसके पर्सनल जीवन की उन्नति होती है। मेरे प्रियो, आपके पास अच्छा समय है, आप ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना कीजिए। और भले आपका मन नहीं लग रहा है, आपको मालूम है पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। वचन में लिखा आहें भर भर कर वे जो है प्रार्थना करता है, तभी तो वचन में पढ़ने में हमारी सहायता मदद करेगी। आइए हम वचन देखेंगे, रोमियो के पुस्तक उसके 8वां अध्याय और 26वां पद। रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय उसका 26 पद, हम जरा ध्यान से सुनेंगे थोड़ी ऊंची आवाज से।
इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हाँ, आत्मा ही हमें प्रार्थना करना सिखाएगा, वो खुद आहें भर भर कर प्रार्थना करता है। तो मेरे प्रियो, आप में से बहुत सारे लोग हमको प्रार्थना का हमको फोन करके पूछते हैं, पास्टर जी हमारा प्रार्थना में मन नहीं लगता, हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो हम क्या प्रार्थना करें हमको समझ में नहीं आता। तो हमने उनको बोला, आप पवित्र आत्मा से सहायता मांगो, आप सब जो है पवित्र आत्मा से सहायता मांगे, और हमारे लड़ाई का हथियार, हमारा लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार इस अंधकार की ताकतों से लड़ने के लिए वो सिर्फ एक ही है, और उसको हम बोलते हैं प्रार्थना। जिस समय आप पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना करना सीख जाएंगे मेरे प्रियो, आपकी हर एक समस्या, आपकी हर एक दिक्कतें, आपकी हर एक प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में से दूर हो जाएगी मेरे प्रियो। जैसे जैसे हम इन बातों को समझने पाए और हमने प्रार्थना करना चालू किया, देखते देखते हमारे जीवन के आत्मिक जीवन में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है, और हम देख पा रहे हैं कि हमारे जीवन में सही में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। हम देखते हैं यहाँ पे दूसरा कुरिन्थियों की किताब और उसका 10वां अध्याय और 4 और 5 हम पढ़ेंगे, तभी तक पढ़ने में हमारी मदद करेगी। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसका मतलब हमारी प्रार्थनाएं जो है किसके द्वारा सामर्थ्य है, परमेश्वर के द्वारा। और उन गढ़ों को जो हमारे जीवन में, जो हमारे समाज में, जो हमारे गांव में, जो हमारे शहरों में, ये जो गढ़ है जो हमारे जीवन में दिक्कत पैदा करते हैं, जो हमें कैप्टिविटी में, जो हमें बंधन में रखते हैं, जो हमें बाधाओं में बांध के रखते हैं, ये ऐसे गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर ने हमें शक्ति दिया है। तो हम विश्वासी जब हमारे हथियार को, जो हमारी प्रार्थना है, हमारा हथियार जो हमारा वचन है, जब हम इन दोनों को इस्तेमाल करने लगेंगे, हम एक अच्छे योद्धा बन जाएंगे। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम लड़ाई में हैं, एक बात याद रखिए, हम लड़ाई में हैं, और लड़ाई में या तो हारना है और या तो जीतना है। और शैतान जो है प्रभु के अभिषिक्त दासों को और दासियों को इस अंत के समय में जो है नाश करना चाहता है, वे पाप में गिराना चाहता है, वे टेम्पटेशन में गिराना चाहता है, वे क्रोध में गिराना चाहता है, वे लालच में गिराना चाहता है, वे व्यभिचार में गिराना चाहता है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शैतान के टेम्पटेशन है जिसमें शैतान हमको गिराना चाहता है, परंतु हमको लड़ना सीखना होगा। हम शैतान से भागने से काम नहीं चलेगा, हमको उससे लड़ना सीखना है। और लड़ने के लिए हमको, शैतान के लिए हमारे पास दो हथियार हैं, पहला हमारा परमेश्वर का वचन और दूसरा प्रार्थना। यीशु मसीह इन दोनों को अपने जीवन में इस्तेमाल करता है। जब वे 40 दिन की प्रार्थना करके जब वे वापस जा रहा था तो शैतान उसकी परीक्षा लिया। आपको मालूम है शैतान शुरू से, जब हमारे यीशु मसीह के जमाने से तब से लेके अभी तक लड़ाई चल रही है शैतान और प्रभु के बीच में, परमेश्वर के राज्य में और अंधकार के राज्य में। और शैतान जो है निरंतर इन दिनों अभिषिक्त जनों को गिराना चाहता है। बहुत सारे लोग प्रभु की आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रभु की उस बुलाहट में, जो बुलाहट परमेश्वर ने दी है, उसमें खड़े नहीं हो पा रहे हैं मेरे प्रिय। उसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि उनके पास प्रार्थना का जीवन नहीं है, क्योंकि उनके पास वचन का जीवन नहीं है। वे वचन तो पढ़ते हैं, लिखा है वह वचन को सुनते तो हैं, लेकिन उनके दिल और उनके मन मुझसे कोसों मील दूर है। ये सब बातें सिर्फ, इनका सिर्फ एक ही उत्तर है, इन सब दिक्कतों का सिर्फ एक ही इलाज है, और वो है प्रार्थना और परमेश्वर का वचन। मेरे प्रियो, इस अंतिम समय में यदि हम अपने आप को तैयार करेंगे और गहरे रूप से जब हम प्रार्थना करने लगेंगे, मुझे विश्वास है आपको पवित्र आत्मा प्रार्थना करना सिखाएगा। जब हम प्रार्थना करने बैठे तो कुछ पहले घंटे में हम आधे घंटे में हमारा मन नहीं लगता था, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे हमने प्रैक्टिस बढ़ाई है, अब हम डायरेक्ट प्रभु से हमारा संबंध जुड़ जाता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे दिल से प्रभु बातचीत करता है, और जैसे ही हमसे प्रभु बातचीत करता है मेरे प्रियो, आप जब असली प्रार्थना करने लगेंगे तो मैं आपको एक साइन बताता हूं, एक प्रूफ बताता हूं अपने पर्सनल जीवन का, जो प्रभु हमारे जीवन में डाल रहा है।
जैसे ही आप प्रार्थना करने लगोगे, देखना पवित्र आत्मा धीरे धीरे करके आपके जीवन के अंदर की कमजोरी आपके सामने प्रकट करेगा। और जैसे जैसे वे आपके जीवन की कमजोरी को आपके सामने प्रकट करेगा, आप समझ जाना आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हो। मेरे प्रियो, ये परीक्षाएं हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाती हैं, ये विपत्तियां हमारे जीवन में हमें परमेश्वर के और नजदीक खींच ले आती है, ये कोरोना वायरस हमें परमेश्वर के और नजदीक खींच रहा है। मेरे प्रियो, हम ये सोच रहे हैं कि संसार के लिए अंतिम समय है, परंतु परमेश्वर ने हमें एक बड़ी योजना के तहत चुना है, एक बड़े काम को वे करवाना चाहता है हमसे। इसीलिए आपके पास एक अच्छा समय है, आप चाहे तो अपने जीवन को परमेश्वर के चरणों में बिता सकते हैं, आप चाहे तो ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे प्रियो, आने वाले समय में परमेश्वर आपको एक बड़ी योजना के तहत इस्तेमाल करेगा। इसलिए आज हम आपको सिर्फ दो चाबी देंगे। पहली चाबी ये कि आप निरंतर परमेश्वर के चरणों में समय बिताएं, दूसरी चाबी ये कि आप परमेश्वर के वचन को याद कर उस पर चलना चालू करें और पवित्र आत्मा से सहायता मांगे। हे पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता करें कि हम प्रार्थना करना सीखें। प्रभु आप सबको आशीष दे, और भी यदि प्रभु हमारे जीवन में कुछ अगुवाई प्रकट करेगा तो हम आपको निरंतर बीच बीच में बांटते रहेंगे। निरंतर हमको प्रार्थना में याद रखिए, हम भी आपको प्रार्थना में याद रखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। इससे पहले कि हम इसको खत्म करें, आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक अच्छा समय आपने हमें दिया। हे पवित्र आत्मा, प्रभु हम चाहते हैं आपकी सिद्ध इच्छा और आपकी सिद्ध योजना हमारे जीवन में पूरी होने पाए। प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। मेक अस अ मैन ऑफ प्रेयर, अ वुमेन ऑफ प्रेयर। ओ प्रभु, आप अंतिम समय में एक बड़ी प्रार्थना योद्धाओं की सेना को खड़ा कर रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हर एक अंधकार की ताकतें, दुरात्मा और दुष्ट आत्माओं का प्रभाव जो लोगों को प्रार्थना करने से भटकाता है, जो लोगों को दुआ करने से भटकाता है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु सिर्फ आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु ये कार्य होने पाए। आपको धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव और सम्मान आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु आपको आशीष दें।